तो ऊपर से डाल दिया भाई सब चीज़, भाई और सारी चीज़, देखिए पक के कैसे निकलता है। तो भाई ये जो अपना ना, अरे वाह भाई साहब, मैगी देख लो कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है, और खोलने के बाद में जो इसकी फ्रेग्रेंस आई है ना, जबरदस्त भाई। यहाँ पर जो अपना बनने वाला है चीज कॉर्न मैगी डोसा, भाई सुन रहे हो आप, नाम ही सुन लो भाई, कितना बड़ा नाम है, और जितना बड़ा नाम है ना उतना ही बड़ा ये डोसा और उतना ही टेस्टी ये डोसा बनने वाला है। चीज कॉर्न मैगी बनेगी और साथ में हमारा ये डोसा बनेगा। सबसे पहले ने बैटर जो ले लिया, इसको डोसे का बैटर इसको फैला दिया पूरे के पूरे तवे के ऊपर। 140 रुपीज प्राइस रहता है इसका, जो कि एक अफोर्डेबल रेट है। ऊपर से आ गया भाई थोड़ा सा बटर, ये आ गया थोड़ा सा मसाला, ये आ गया थोड़ी सी लाल मिर्च, ये आ गया थोड़े से अनियंस, थोड़ी सी हरी धनिया, ये आ गया थोड़े से कॉर्न। भाई मैगी को आपने बहुत सारी चीजों के साथ खाया होगा, मोमोज के साथ खाया होगा, मैगी को आपने पिज्जे के साथ खाया होगा, लेकिन मैगी को कभी डोसे के साथ में खाया हुआ है? अगर नहीं खाया हुआ है तो आपको आना पड़ेगा गौरी वृंदावन रेस्टोरेंट। तो लोकेशन भाई बता दूं, लक्ष्मी नगर के पास में लोकेटेड है। ये देख लो भाई, ये क्वांटिटी की इसके अंदर मैगी जा चुकी है पूरी की पूरी। ये ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा केचप डाल दिया भाई साहब, मैगी के साथ वैसे केचप नहीं प्रेफर करते, बट अब देखते हैं इसके साथ क्या टेस्ट आएगा इसका। ये ऊपर से थोड़ा सा और मसाला डाल दिया इनका, और ये करेंगे भाई इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये देख लो भाई, ये ऊपर से आ गया मैगी, और ऊपर से आ गया थोड़ा सा मैगी मसाला। मतलब मैगी ना पूरी उसी तरीके से बनती है जैसे बनती है, बट यहाँ पर आपको बटर और ऊपर से ना कॉर्न वगैरह सब कुछ डाला, क्योंकि चीज कॉर्न मैगी है। ये कर दिया भाई इसको अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखो इसको कितना टाइम लगेगा पकने के लिए, 1-1.5 मिनट में देखते कि भाई ये पक के कैसे निकलता, पहले देखते हैं भाई। ये अभी कर दिया इसको कवर, अब देखते हैं कि भाई ये पक के कैसे निकलता है। तो भाई ये जो अपना ना, अरे वाह भाई साहब, मैगी देख लो कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है, और खोलने के बाद में जो इसकी फ्रेग्रेंस आई है ना, जबरदस्त भाई। ये अभी कर रहे हैं भाई इसको पूरा अच्छे तरीके से ना मिक्स वापस से, और अब इसको फैला रहे हैं पूरे के पूरे डोसे के ऊपर। डोसा एक चीज देखोगे ना, डोसा भी साथ साथ में ना पूरा का पूरा ना यहाँ पर अपना क्रिस्पी सा हो रखा है। ये देख लो भाई, डोसे के ऊपर ना पूरी की पूरी चीज, अभी तो कॉर्न मैगी है, ऊपर से अभी चीज डलेगी इसके ऊपर। इसको जो है अच्छे तरीके से ना फैला दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 160 रुपीज प्राइस रहता है। इसको आराम से 1 से 2 लोग आराम से खा सकते हैं। ऊपर से डाल दिया भाई साहब चीज, ये देख लो ऊपर से आ गया थोड़ा सा हरा धनिया, और कुछ जाएगा इसके ऊपर? और कुछ नहीं जाएगा इसके ऊपर। और ये जो है भाई फिर से निकाल दिया, और ये जो है भाई अपना डोसा भी जाने वाला है सीधा प्लेट होने के लिए। ये देख लो पक चुका है अच्छे तरीके से, अब ये हो रहा है अच्छे तरीके से रोल। ये इसको भाई काट दिया बीच में से, ये हो गया 1 हिस्सा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये 4। स्टफिंग देख सकते हो भाई कितनी कर रखी है, जा रहा है सीधा प्लेट के अंदर अपने। ये देख लो इसके ऊपर से आ गई भाई और सारी चीज, चीज डाल दिया इसके ऊपर। अब आएगी इसके साथ में चटनियाँ, देखते हैं भाई इसके ऊपर अभी इसके साथ कौन कौन सी चटनी आती है। ये देख लो भाई, ये आ गई इसके साथ में चटनियाँ। ये कौन कौन सी चटनी है? टिक्की वाली, टमाटर की चटनी। तो भाई साहब ये था अपना चीज कॉर्न मैगी डोसा, 160 रुपीज प्राइसेस का, कहाँ पर? गौरी वृंदावन रेस्टोरेंट, लक्ष्मी नगर के पास से लोकेटेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए तो फॉलो कर लो। मिलता हूं आपको ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो।